Hello everyone, welcome to AutoCAD tutorial part 4. Today in this video I will tell you about more commands like we have discussed previously line command. Today we will discuss about circle command. So the short key of circle command is C, enter or spacebar. जब आपने इसको ये किया तो उसने एक आपसे कहा कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट. आपने स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट पॉइंट तो इसमें फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. ये तो उसमें आप ये बोल रहा है कि रेडियस या डायमीटर आप एंटर करो. तो आप ये देखो, अगर आप यहाँ से माउस से देख रहे हो कि ये रेडियस का साइन इंडिकेट कर रहा है सर्कल के मिड पॉइंट से उसके एज तक में, तो रेडियस है तो आपने रेडियस. या अगर आप डायमीटर के लिए, अगर हमें डायमीटर मान लीजिए हमें एंटर करना है तो हम डी एंटर कर देते हैं तो वो डायमीटर. अब यहाँ पे देखिए, ये आप अगर रेडियस वाले साइन देखिए सेंटर से वो पूरा दोनों साइड के सर्कमफ्रेंसेस के पॉइंट्स बता रहा है, यानी कि डायमीटर बता रहा है. तो आप इस तरह सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर मैंने जैसे डायमीटर के दिया तो मैंने डायमीटर दे दिया कमांड यहाँ पे, तो तब ये जैसे 2 फीट, तो ये 2 फीट का सर्कल आ गया. ठीक है, तो इसी तरह अब मान लीजिए अगर मैं फिर से इसको एंटर करती हूँ सी एंटर. हम एक बार रेडियस का भी करके दिखाते हैं. तो रेडियस हमने दे दिया, रेडियस आपने दे दिया, सपोज मैंने दिया 3 फीट का. तो ये देखो, ये 3 फीट का रेडियस आ गया. ठीक है जी, तो ये हो गया. अब आता है सर्कल में, अगर आप फर्स्ट पॉइंट और देखेंगे तो उसमें आता है, ये आया 2 पॉइंट्स, जिसमें वो 2 पॉइंट्स का अगर हम देंगे तो हमें 2 पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्कल बना देगा. तो अब यहाँ पे देखो, हमने जब सी एंटर किया हमने स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायमीटर, तो हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया. ये देखिए, ये स्पेसिफाई कर दिया हमने. उसके बाद ये सेकेंड कह रहा है स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट, तो आपने सेकेंड पॉइंट को भी स्पेसिफाई कर दिया, तो ये आपका सर्कल बन गया. अब इसमें आता है थर्ड वन इज योर 3 पॉइंट्स. तो 3 पॉइंट्स के लिए आप 3 पॉइंट्स इंडिकेट करोगे. जैसे अगर मान लो मैं इस लाइन पे 3 पॉइंट्स का अगर आपको बताऊं, तो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट चूज किया, फिर ये कह रहा है नेक्स्ट, आपको कह रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया, फिर सेकेंड पॉइंट, आपने सेकेंड पॉइंट कर दिया, ये 2 पॉइंट्स वाला हुआ. अब अगर हम 3 पॉइंट्स का करेंगे तो इसी लाइन पे मैं आपको दिखा देती हूँ 3 पॉइंट का भी कैसे करते हैं. फिर से आप करोगे सी एंटर और स्पेस बार, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट एंड स्पेसिफाई द थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे आप इस लाइन के मिड पे ले लो, दूसरी लाइन पे ले लो. तो ये होता है कि अगर आपको रेडियस वगैरह ना बताओ और आपको लाइंस के थ्रू सर्कल करना हो तो आप इस तरह बना सकते हैं. थर्ड आता है आपका टेंजेंट्स के थ्रू आपको सर्कल बनाना है. तो अब टेंजेंट के थ्रू कैसे करेंगे, तो हम फिर से करेंगे सी एंटर या स्पेस बार के थ्रू या एंटर के थ्रू. एस्केप कमांड को, अगर हमें इस कमांड से बाहर जाना तो एस्केप का बटन का यूज़ करते हैं. तो ये आ गया टेंजेंट का. अब टेंजेंट आपको पता है ये सर्कल से जो लाइन पास होती है वो टेंजेंट होती है. अब जैसे मान लो इस लाइन के अलोंग मुझे सर्कल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया अपना फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये देखिए मैंने कर दिया स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट चूज़ किया, उसके बाद ये आपने किया स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट, और फिर आपने रेडियस दे दिया कि कितने रेडियस का आपको सर्कल चाहिए इस लाइन के अलोंग जो टेंजेंट लाइन हो के. तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको दे दिया 2 फीट का, तो ये आ गया इस लाइन के अलोंग हमारा सर्कल ड्रा हो गया. तो ये हमारे सर्कल्स में कुछ स्पेशलिटीज़ हैं इसमें फर्दर्स. उसके बाद हम नेक्स्ट अब कमांड पे आएंगे. सर्कल के बाद हम कमांड करेंगे आपकी PL, दैट इज़ योर पॉलीलाइन. ये कमांड यूज होती है पॉलीलाइन को बनाने में किस अपनी ड्राइंग में. तो इसकी शॉर्ट की होती है PL एंटर या स्पेस बार. तो जैसे हमने कर दिया PL एंटर, तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप एक ड्रॉ करते हो वो एक ही ऑब्जेक्ट में रहती है, मतलब एक्सपोर्टेड फॉर्म में नहीं होती, वो एक ही ऑल थ्रू एक ही ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जैसे आप देखिए ये मैंने एक बना दिया, अगर मैं अब इसको चूज़ करती हूँ तो ये ऑल इन वन सेलेक्ट हो जाता है.
जैसे अगर मैं यही चीज़ सपोज मैं लाइन कमांड से बनाऊँ, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, लाइन कमांड से अगर बनाते हैं एल एंटर, तो ये सारा का सारा फॉर्म एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आता है, यानी कि हर एक लाइन इंडिविजुअल ही सेलेक्ट होती है, ऑल थ्रू मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जैसे कि एक्सप्लोडेड है, तो PL का ये एक बेनिफिट होता है। आप इसी जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो आपने लाइन कमांड्स बनाया और आप चाहते हो कि पूरा एक PL फॉर्म में आ जाए, तो आप उसी के ऊपर PL कमांड लेके ड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसमें करूँगी, मैंने PL कमांड ली, अब मैंने इसी लाइन के ऊपर ये चीज़ ड्राफ्ट कर दी, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये एक ही बार में हम इसको मूव या कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जैसे मैंने मूव कर दिया, तो अब ये देख लो ये वन एंड गो में पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो ये PL का एक बेनिफिट होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया, ये थी हमारी PL जिसकी शॉर्ट की होती दैट इज़ पॉलीलाइन, जिसकी शॉर्ट की है PL। तो ये हमारी PL पॉलीलाइन की कमांड थी। इस वीडियो में हमने सर्कल और पॉलीलाइन के बारे में सीखा है, लास्ट वीडियो में हम लाइन के बारे में सीख चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।